नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधु लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे मुहूर्त में हैं, और आज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको मैं अरविंद अग्रवाल सादर प्रणाम करता हूं। और आज हमारी दो फिल्मों की मुहूर्त है, जिस फिल्म का नाम है बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ में, जिसके डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर इम्तियाज खान जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग के बीच एक साथ दो प्रोजेक्ट का आज मेरा मुहूर्त हुआ, और हमारी पूरी टीम कोशिश करें कि हम लोग बहुत मेहनत करके एक अच्छा प्रोजेक्ट आप लोग के बीच लाएं। किस तरह का आपका भूमिका होगा ये दो फिल्म का जाना जाएगा? बैंड बाजा बारात आप लोग नाम से ही जान रहे हैं कि बैंड बाजा बारात फुल रोमांटिक एक्शन मूवी होगी, क्योंकि कल्लू को अगर लोग लिए हैं, चंदन ब्याज से लिए हैं, तो रोमांस करने का उम्र है, तो रोमांस ही करेंगे। और जब रोमांस होता है तो जरूर है कि हमारे सर अवधेश सर आएंगे और हमारे रोमांस में ये चांस लगाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम आपके रोमांस में साथ भी दे, बाप बन जाए तो? हाँ, तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। आप हमारा साथ देंगे, इससे बड़ी खुश नसीबी हमारे लिए क्या होगी, सौभाग्य की बात क्या होगी कि हमारे डॉन के साथ में। तो गायक तो वो तो वैसे ही टाइम पास गायक हूँ मैं, वो एक समय था जब कभी गा लेता था मैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो गाता नहीं, आज मंच पे बोल दिया तो हमने गा लिया, तो वो एक पुराना शौक था जो यही है, बाकी तो हम कलाकार हैं, एक एक्टर हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ऑलराउंडर हैं। चलो भाई, ये पूछना था कि शादी के लिए बहुत जल्दीबाजी कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं, ज़रूरी है ना, इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी उम्र ही कितनी हुई है? अरे 21 साल हो गया, आप क्या चाहिए? 21 साल हुआ अभी तो, मत बोलो ऐसा, 21 साल नहीं हुआ अभी इनका, 17 खत्म हुआ है। नहीं, मेरा क्या, हम झूठ नहीं बोलते हैं ना, वो मुंह से निकल गया, सॉरी। सच भी मत बोलो ना ऐसा कि लोगों को बुरा लगे। शादी करना किससे, हीरोइन से करना है या कोई आम लड़की से करना? लड़की ढूंढी जा रही है? नहीं नहीं, हमारे गुरु जी हैं ये, इनको मैं लव गुरु बोलता हूँ इंडस्ट्री में। इनसे सेट पे मैं एक्टिंग भी सीखता हूँ, और साथ में जब कैमरा पे जब काम धाम चलता है तो मैं इनसे कुछ शिक्षा लेता हूँ। ये बोलते हैं प्यार करना जरूरी है, प्यार के बिना तो जगत होता है। देखिए कुछ मतलब वो प्यार में होता क्या ये नहीं बता पाएंगे शर्मा। तलाश जारी है, बहुत जो भी मिलेगी बड़ी अच्छी दुल्हनियाँ मिलेगी, ये अब अकेला नहीं रह जाएंगे, अरविंद अकेला नहीं रहेंगे, अरविंद दुकेला हो जाएंगे। तो ये अपने कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं इनके लिए अच्छी दुल्हनियाँ ढूंढी जाए। मेरा अपना दिल कहे तो मैं पॉजिटिव रोल ही करूँगा, बाकी हमारे डायरेक्टर्स पे हैं कि हमें कैसा रोल देते हैं। वैसे आजकल ज़्यादातर मैं पॉजिटिव रोल ही कर रहा हूँ, मेहंदी लगा के रखने के बाद मेरे अंदर एक फतूर सा आ गया है कि अगर अपने आप को एज एन एक्टर मुझे हमेशा ज़िंदा रखना है, जब तक मैं ज़िंदा रहूं तब तक मैं काम करूं और मेरे मरने के बाद मेरे काम की चर्चाएं हो, तो उसके लिए पॉजिटिव रोल बहुत आवश्यक है। एक एक्टर के जीवन में ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी किस्मत है जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, तो मैं उसको हमेशा निभाना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि विलेन छोड़ दिया, क्योंकि हमारे जनता को जब बोलता हूँ पब्लिक को कि भाई मैं सोचता हूँ विलेन नहीं करूँ, एक सुर से आवाज़ आती है कि नहीं 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 विलेन कीजिए, तो विलेन भी करूँगा, लेकिन पॉजिटिव रोल्स, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, वो उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है। नहीं नहीं, अलग अलग होगा, पहले बैंड बाजा बारात होगा, घूंघट की आड़ में। अच्छा, हीरोइन फाइनल हुई है? अभी फाइनल बोला गया ना कि दुल्हन की तलाश में है, तलाश में हूँ दुल्हन की। अगर आप लोग के सहयोग से कोई अच्छी दुल्हन मिलती है तो जरूर उसको, आप लोग ज्यादा जगह जाते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छी हीरोइन ला दीजिए। त्रिपाठी जी, चूंकि आप बिंदास बोलते हैं और बेबाक सवाल करते हैं, तो ऐसे ही चाहूंगा कि अगर आपको कोई खूबसूरत सी दिख जाए जो कल्लू की दुल्हन बनने लायक हो फिल्म में। एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है आप लोगों पे, तो आप तरक्की बोल सकते हैं कि मैं आपको हीरोइन बनाना चाहता हूं चंदन उपाध्याय की। मैं उसे पूछूंगा कि कल्लू की दुल्हन बनोगी तो मारे वाली तो नहीं? अब वो सर आप समझे पत्रकार आदमी हो, हम कुछ नहीं बोल सकते। ड्रामा ही है, बाकी जो उसका था इन्होंने बता दिया कि क्या क्या है, आप खुलासा नहीं करना चाहेंगे?
आज बहुत अच्छा दिन है, महावीर जी की जयंती है और इस अवसर पे बैंड बाजा बारात का मुहूर्त और एक और पिक्चर की मुहूर्त हो रही है घूंघट की आड़ में। हमारे प्रोड्यूसर साहब इम्तियाज भाई हमारे बड़े भाई हैं, कल्लू जी हमारे छोटे भाई हैं और जय जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बड़ा अच्छा मौका है, हम लोग सब एक साथ इस पिक्चर के मुहूर्त का सेलिब्रेशन मना रहे हैं। इससे अच्छा गाना और बनाना पड़ेगा। हर सुतीले से जरिया तो टभके कमरिया, सुतीले से जरिया तो टभके कमरिया, मारे करी हैया हिलो रहो हिलो रहो। अब ऊपर वाला की अंगूरी पमु भुले के माला ना खूब रानी भागी दरहत पोरे पोरा हो, अंगूरी पमु भुले के माला ना खूब रानी भागी दरहत पोरे पोरा। आप लोग बताना चाहेंगे कि मैं इनका गायकी का स्टाइल का फैन हूँ, बहुत अच्छा जम के गाते हैं और हमारे गांव के बगल के हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग का मेल मिलाप अच्छा है और उम्मीद है कि बैंड बाजा बारात और घूंघट की आड़ में हम लोग दोनों लोग मिलके और हमारी पूरी टीम मिलके एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म देगी। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।